हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल ट्रिक्स बाय रोहन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को इतने सारे ढेर सारे ऑफर्स बताऊंगा जिनको अगर आप अप्लाई करोगे एक ना एक ऑफर आपके काम तो आएगा ही एंड आपको कैशबैक एंड आपको फायदा पहुंचाएगा, समझ लो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ऑफर बताने से पहले, आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सबसे पहले कोई लेटेस्ट ऑफर कोई अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल रात को बर्थडे डील का आप लोग से पूछा था पोल पे कि आप लोग डील्स चाहिए कुछ अच्छे, तो आप लोग ने बोला था हाँ चाहिए। तो मैं कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल पे अच्छे ऑफर्स जो चल रहे हैं उसके डील्स भी, जो नए नए बग में आते सामान, वो भी मैं आप लोग तक पहुंचाता हूँ। तो आप लोग श्योर करो कि आप लोग ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया है, समझो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सेम चैनल है ट्रिक्स बाय रोहन, लिखोगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऑफर्स बताऊंगा जो है अमेजन। तो अमेजन से ढेर सारे ऑफर्स निकल के आ रहे हैं। अभी पता है आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल चल रहा है अमेजन पे, तो इस यहां से आप लोग बहुत सारे निकल के ऑफर आ रहे हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे मजेदार ऑफर आप लोग को, मैंने आप लोग कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने अमेजन के मर्चेंट अकाउंट में, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अमेजन के मर्चेंट अकाउंट के बारे में बताया था किस तरह से अमेजन के मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद मैंने आपको एक एजेंट के कॉन्टेक्ट करवाया था, तो एजेंट कॉन्टेक्ट करके आपको अमेजन का अकाउंट बनाता था 10 से 12 रुपीस लेके, समझ लो। तो उस टाइम क्या हुआ ना, बहुत लोगों के अमेजन अकाउंट बने, सब लोगों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज किया कि थैंक्स भाई आपके वजह से बना। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ एक दो फ्रॉड हुए कि एजेंट ने क्या किया, पैसा लेके आप लोगों ने मर्चेंट अकाउंट बनाया। तो इस टाइप से मैंने, तो इसलिए मैंने आप एजेंट को हायर करना मैंने छोड़ दिया कि यूजर्स के पैसे लेके भाग जा रहे। लेकिन अगर आप लोगों ने उस टाइम अमेजन के मर्चेंट अकाउंट बनाया था तो आप लोग के लिए एक मस्त ऑफर निकल के आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इस बैनर में कि अगर आप अमेजन के एक मर्चेंट अकाउंट हो, मतलब एजेंट के द्वारा मर्चेंट अकाउंट हो, कोई जाली मर्चेंट अकाउंट नहीं जो यूपीआई डाल के बना लिया, एजेंट के द्वारा एक मर्चेंट अकाउंट हो आपको, जो एजेंट एक यूपीआई आईडी आपको दिया होगा, तो उस मर्चेंट अकाउंट में इतनी अच्छी ऑफर निकल के आई हुई है कि आप हर दिन 28 रुपीस तक का कैशबैक ले सकते हो। ये ऑफर 31 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब आप कितने दिन है, सारे दिन आप 28 रुपीस लेके 28 रुपीस कमा सकते हो आपके मर्चेंट अकाउंट में, समझ। तो ऑफर क्या है, आपको अलग अलग 4 डिफरेंट मर्चेंट अकाउंट से, मतलब 4 डिफरेंट अमेजन अकाउंट से आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है 30 रुपीस या उससे ज्यादा का, तो आपको हर पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए 7 रुपीस का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम आप 4 बार जब पेमेंट एक्सेप्ट कर लोगे तो 7 जगह 28 रुपीस का आपको कैशबैक पर डे मिल जाएगा। मैंने तो पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है एक बार, देखता हूँ कैशबैक कब मिलेगा। 1 से 2 दिन के अंदर ही कैशबैक मिलता है, ये अमेजन के कस्टमर केयर ने बताया कि आपको कैशबैक 1 से 2 दिन के दिन भीतर मिलेगा। लेकिन आप जो एक्सेप्ट करोगे पेमेंट वो आपको अलग अलग अमेजन अकाउंट से करना पड़ेगा। तो देखो, एक तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको कैशबैक तो मिल जाएगा, एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है कि आप लोग जो आज अमेजन की जो अकाउंट को एक्सेप्ट कर लोगे वो कल दूसरा दिन आप उस अमेजन अकाउंट से एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सेम मर्चेंट अकाउंट से, मैं सेम अमेजन अकाउंट से आज पेमेंट लिया है, कल भी मैंने सेम मर्चेंट अमेजन अकाउंट से पेमेंट लूंगा, देखता हूँ कैशबैक मिलता है कि नहीं, उसके बाद मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तब तक आप ऑफर को अप्लाई करो, आप 4 डिफरेंट अमेजन अकाउंट से 30 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट एक्सेप्ट करो। आपको QR कोड जो आपको अमेजन के यूपीआई सेक्शन में क्लिक करोगे, उसके बाद माई QR कोड में देखोगे आपको QR कोड मिला है, उस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है, आपको 7 रुपीज का कैशबैक पर अमेजन पर मतलब ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएगा, समझ जब। तो यहां से मैंने आप लोग एक मर्चेंट अकाउंट का ऑफर बता दिया, तो ये ऑफर आप लोग जरूर से अप्लाई करोगे, समझो। दूसरा ऑफर निकल के आया है, ये आया शॉपिंग ऑफर, समझ लो। आप लोग कुछ अमेजन पे शॉपिंग करते हो, रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, तो आप लोग के लिए एक्स्ट्रा आप लोग क्या करते हो, अमेजन अकाउंट में अपने बैंक के द्वारा पैसा ऐड करते हो। लेकिन इसमें आपको कुछ 2 ऑफर निकल के आया है, दोनों ऑफर कमाल के। एक तो पुराना ऑफर है, हम सबका पसंदीदा ऑफर है, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाओगे तो आपको एक बैनर दिखेगा, यहाँ पर आपके लिए ऑफर है। ये ऑफर कुछ दिन पहले ही आया था लेकिन यूजर स्पेसिफिक था, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन अब ये सारे अकाउंट पे लग रहे हैं। पहले ऑफर को कलेक्ट कर लेना, ऑफर कलेक्ट करने के बाद मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि ये एक ईमेल गिफ्ट कार्ड है, मतलब ईमेल गिफ्ट कार्ड मतलब आप कोई भी ईमेल में 1000 रुपीस का अमेजन का गिफ्ट कार्ड बाय करोगे तो आपको 10% के हिसाब से 100 रुपीस का कैशबैक आपके अमेजन पे वॉलेट में मिल जाएगा, समझो।
दूसरा ऑफर निकल के आया है कि आप एक ऑफर सेक्शन में जाओगे एंड नीचे में जाओगे तो हर अकाउंट के लिए अलग अलग ऑफर आ रहा है। इसमें भी क्या है, 100 के एड मनी पर 100 रुपीज का कैशबैक इस हिसाब से मिल रहा है। किसी किसी अकाउंट में 100 रुपीज एड करने के हिसाब से 100 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। मेरे इस अकाउंट में देखोगे कि अगर मैं लोड मनी करूंगा 2000 रुपीज का तो मुझे यहाँ पर 200 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। किसी किसी अकाउंट में 5000 रुपीज एड मनी करने पे 500 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। समझो, तो लोड मनी वाला ऑफर भी आपको यूपीआई से करना होगा एंड अमेजन का जो ईमेल गिफ्ट कार्ड है वो भी आपको यूपीआई के माध्यम से ही करना पड़ेगा, समझ लो ना। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊं कि लोड मनी एंड वो जो ईमेल गिफ्ट कार्ड है उसमें अंतर क्या है। तो लोड मनी जब करोगे तो आपको अपने जिस अकाउंट से करोगे उसी अमेजन अकाउंट में आपको पैसा ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ईमेल गिफ्ट कार्ड करोगे, मान लो आपने इससे आपने किया है एक जो आईडी से, आपको ईमेल में गिफ्ट कार्ड आ जाएगा वो कोड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत बार। उसके बाद वो कोड आपको जब चाहिए तब आप पेस्ट कर लोगे, पेस्ट करके आप एड मनी कर सकते हो, समझो। तो दोनों ऑफर अपने अपनी जगह में सही है, आप दोनों ऑफर को अप्लाई कर लेना, आपको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाएगा। तो आप लोग को अमेजन से शॉपिंग या ऐसा कुछ करना है तो आप लोग ये दोनों जो ऑफर है, गिफ्ट कार्ड वाला और एक लोड मनी वाला, ये दोनों ऑफर को अप्लाई करना, आपको श्योर से अच्छा खासा कैशबैक आपको मिल जाएगा। मान लो आपने 2000 रुपीज एड मनी कर लिया तो, एंड मान लो 3000 रुपीज को शॉपिंग करना, आपने दोनों ऑफर को अप्लाई कर लिया तो आपको 300 रुपीज का कैशबैक यहाँ फ्लैट मिल जाएगा, समझो। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स है जिनसे आपको कैशबैक मिल सकता है, जैसे मैं आपको दो तीन ऑफर बता दे रहा हूँ। आप रेडमी के जैसे Y3 लोगे, MI का A3 लोगे तो उसमें आपको प्रीपेड का तो ऑफर है ही, आप कार्ड वगैरह का जो ICICI बैंक का डेबिट कार्ड या फिर SBI क्रेडिट कार्ड से जो ऑफर चलते रहते हैं वो तो आपको मिलेगा ही। इसमें भी आपको 1000 रुपीज का अमेजन का कैशबैक मिल रहा है, समझ रहे हो। तो दोनों मोबाइल में अमेजन का 1000 रुपीज का कैश मिल रहा, तो उस प्रोडक्ट को देख के करना जिसमें उसमें ऊपर में ही लिख जाएगा, सेव ऑफर पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि आपको उसमें उसमें क्या क्या ऑफर मिल रहा है, तो उस टाइप से भी आपको ऑफर मिल सकता है। उसके बाद कोई भी अलग अलग भी प्रोडक्ट में अलग अलग तरह के ऑफर चल रहे हैं, समझो। तो जाके जल्दी से आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है या किसी के लिए ऑर्डर करना है तो पैसे यहाँ से एड मनी कर दोगे तो आपको अच्छा खासा कैश भी मिल जाएगा। कुछ और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हो तो भी आप अमेजन वाले इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो, समझो। क्या करो, अब पहले अमेजन के जितने भी पैसे हैं आपके पास सारे आपके अमेजन से आप एड मनी करो। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट पे आपको शॉपिंग करना है, आपको अमेजन का भी ऑफर अप्लाई करना है, तो क्या करना, अमेजन पे के पैसे से भी आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हो। आप अमेजन पे एड मनी जो उतना जो ऑफर बताया सारे से एड मनी कर दो। उसके बाद आप लोग को मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है कि अमेजन के वॉलेट को अमेजन पे बैलेंस को फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड बैलेंस में कैसे बदलते हैं। उस पूरा एक प्रोसेस वाला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके देख लोगे तो आपको पूरा श्योर पता चल जाएगा कैसे अमेजन पे बैलेंस को फ्लिपकार्ट में बदलते हैं, समझ लो। उसके बाद आप लोग जाके अप्लाई कर देना, आपको दोनों ऑफर मिल जाएगा फायदा। उसके बाद उसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं, आपको गिफ्ट कार्ड खरीद के अमेजन पे बैलेंस पेमेंट कर देना है, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाके जल्दी से ऑफर को अप्लाई कर लो, आप लोगों को श्योर से फायदा होना है। फ्लिपकार्ट भी शॉपिंग करना है, अमेजन पे शॉपिंग करना है, दोनों प्लेटफॉर्म पे अगर शॉपिंग करना है तो आप लोग अमेजन पे बैलेंस का जो लोड मनी है, ईमेल गिफ्ट कार्ड है, दोनों ऑफर को अप्लाई कर सकते हो, समझ लो। तो दोस्तों मैं आप सबको आशा करता हूँ कि मैंने आप सबको जितने भी ऑफर बताए सारे आप लोग अप्लाई करोगे, अच्छा खासा कैश मिलेगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस सेल के दौरान मैं आप सबको ढेर सारे लेटेस्ट ऑफर दूंगा।